हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेंज एक्सप्रेस में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया आप लोगों के लिए। ये एक हल्दी लुक है, आप चाहें तो अपने किसी भी वेडिंग फंक्शन में कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने फेस को वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से, नेक का एरिया भी, क्योंकि हमें इस पर भी मेकअप करना है। और अब हम अपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, यानी कि मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, मॉर्निंग नेक्टर बायोटिक। अब मैं यहाँ पे अपने कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ के डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, कुछ इस तरीके से। और मैं इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट भी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया है और उसे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट से। अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पे एक पीची सा आई शेडो लिया है, जो कि अपने आई लिड्स में क्रीज एरिया पे मैं लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता तो मैं इसको लगाती रहूँगी। अब मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। मैंने यहाँ से और थोड़ा सा डार्क शेड लिया, जिससे कि मुझे एक अच्छे से कॉर्नर साइड पे थोड़ी सी वार्मनेस मिल जाए। अब मैं यहाँ पे अपने कट क्रीज बनाने वाली, इसलिए मैं अपने कट क्रीज को पहले क्लीन कर रही हूँ क्यूटिप की हेल्प से। इस पर मैंने अपना मेकअप रिमूवर लगाया है। और अब मैं यहाँ पे अपने ब्रश की हेल्प से और कंसीलर की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे कट क्रीज बना रही हूँ। और मैंने अपनी सेम पैलेट में से लेके येलो शेड लगाया है, जो कि मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। ब्रश की हेल्प से भी लगाया था बट उतना अच्छा लगा नहीं, तो फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा था उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो गाइस, जो मैंने यहाँ पे पैलेट यूज़ करी है, इसका मैंने प्रॉपर रिव्यू शेयर किया, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन कलर ग्लिटर्स ले रही हूँ, जो कि अपनी आईलिड्स पे लगा रही हूँ, येलो एरिया के ऊपर ही। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर कह सकते हो या फिर आप इल्यूमिनेटर भी कह सकते हैं। स्विस ब्यूटी का है गोल्डन पिंक करके, काफ़ी अच्छा है गाइस। मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया और बहुत ही अच्छा इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप देखें तो मेरी स्किन कितनी अभी ऑलरेडी रेडी है। ऑलमोस्ट मेरा 70% काम इसी से ही हो गया है। देखिए कितना अच्छा इसने मुझे फिनिश दिया है, बहुत अच्छा है। इसमें दो शेड्स आते हैं, सिल्वर पिंक भी गोल्डन पिंक भी, तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट फाउंडेशन मेबलिन, मेरा शेड 128 वार्म न्यूड है। इसको मैं धीरे धीरे करके अपने ब्लेंड कर रही हूँ। अपने नेक को कवर करना ना भूलेगा इस, क्योंकि जब भी आप ऐसे वी नेक्स पहनते हैं तो आपका नेक का और फेस का शेड अलग हो जाता है, तो उसको भी कवर करें। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ को। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, मेरा बेस जो है वो काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, जिसको मैंने अपने बेकिंग के लिए यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा है, इसका अंदर मैंने जो शेड लिया था 01 लाइट शेड है इसका, काफ़ी अच्छा इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं गाइस। और मेरा मेकअप इस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेस मेरा बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मैं यहाँ पे सेम आई शेडो पैलेट थी, उसमें से एक थोड़ा सा ब्राउनिश शेड लेके मैं अपनी कंटोरिंग कर रही हूँ, नोज के अराउंड, चिक्स के अराउंड। ये अच्छी कंटोरिंग गाइज हो चुकी है। अब मैं सेम पैलेट में से यही आई शेडो इसी से ही मैंने अपना कंटोरिंग की थी, और सेम आई शेडोज़ को लेके मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे लगाया है, जिससे कि मेरे आई को फ्रेम मिल जाए। मैंने लोअर साइड पे ही, आउटर साइड पे ही लगाया है, लोअर लैश लाइन पे। और मैं इनर साइड पे येलो शेड ले रही, जो कि मैंने अपर आईलिड एरिया पे लगाया था। ब्रश की हेल्प से देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट से गोल्डन ग्लिटर शेड। इसको मैंने डैब फॉर्मेशन में अपने आईलिड्स पे ही लगाया, जितना मैंने येलो पोर्शन किया था उसी पे। मुझे थोड़ा सा कमी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और पार्टी मेकअप है तो इसलिए इसको कर लिया जाए इस तरीके से। यहाँ पे मेरा आई मेकअप गाइस कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को डन करी हुई एक डार्क ब्राउन आई शेडो से लेके। यहाँ मेरे दोनों आईब्रोज डन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लैक काजल ले रही हूँ, उसको धीरे धीरे अपने आईलिड्स पे एज अ विंग बना रही हूँ। छोटे छोटे स्ट्रोक्स मिले। अगर आप भी मेरी तरह गलत हो जाते हैं लगाने में या थोड़ा सा डरते हैं पिंक बनाने में तो आप भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ले सकते हैं। अब मेरा लाइनर लग चुका है गाइस। अब मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फॉल्सीज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लगाते हैं तो। अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ गाइज़। ये भी मैंने अमेज़न से ही मंगाया था। ये मुझे थोड़ा विंटेज लुक में थोड़ा सा चाहिए था। इसका जो शेड है वो ड्राइड रोज़ करके है। इसका बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट्स, इसके भी बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले। देखिए कितना खूबसूरत ये निकल के आया एकदम। ना ही तो ये पिंक है ना ही ये ऑरेंज है, बहुत ही खूबसूरत एक विंटेज काइंड ऑफ लुक देता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत नोज़ एरिया पे, जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो थोड़ा और लगाना ही चाहिए। नोज़ के अराउंड थोड़ा सा पूरा फेस एक अच्छा लुक आपका निकल के आता है। अब मैं अपने यहाँ लोअर लैश लाइन पे, आप चाहें तो काजल भी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ काजल अवॉइड कर रही हूँ। और मैं अपने लोअर लैश लाइन पे डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके अपने थोड़ा सा उसको शेड दे रही हूँ लोअर लैश लाइन पर। अब मैं यहाँ पर अपना फेवरेट हाईलाइटर लगा रही हूँ। पार्ट 2 है ये मेरा। बहुत अच्छे से आप हाईलाइटर लगाएँ। मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे अपने ब्रो बोन पे भी लगा रही हूँ। गाइज ये लिपस्टिक जो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ही है। इसका जो शेड है न्यूड कॉफ़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आने वाली है। मतलब लिपस्टिक आगे आप मेरे वीडियोस में भी यही देखेंगे क्योंकि ये शेड मुझे काफ़ी पसंद आया और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। मैंने यहाँ पे मिक्स किया था एक शेड ब्लैक में से थोड़ा ब्राउनिश, और मैंने अपने मेकअप को यहाँ पे सेट कर लिया है। अब मेरा ये फाइनल लुक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगर आप इस लुक को अचीव करते हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, मुझे टैग करें। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है चेंज एक्सप्रेस। बाकी आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस देखिए, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल से कुछ आउटफिट्स आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करें हल्दी फंक्शंस के लिए। तो और बैक टू बैक मेरे चैनल पे और भी वीडियोस आने वाले हैं। ओके गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को लुक कैसा लगा। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।